हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सभी का स्वागत है। कल तक के वीडियो में पढ़ने टॉपिक स्टार्ट किया था, सोइंग इरोजन, मृदा क्षरण वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। उस टॉपिक के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, मृदा क्षरण किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था, और क्या नाम से कौन कौन सी शक्तियों के द्वारा होता है, जिसमें अपन ने पहली शक्ति पढ़ ली थी। कौन सी शक्ति? पहली शक्ति थी विदाउ जल चरण, यानी जल के द्वारा मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को जल चरण कहते हैं। चार प्रकार मैंने पढ़ा दिए थे इसके, बोचाल, परत, रिलन और अम्ल। चार प्रकार के चरण मैंने आपको पढ़ा दिए। आज पढ़ेंगे विदाउट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर इरोजन, यानी जलीय चरण को प्रभावित करने वाले कारण। हेडिंग डालो बेटा, इसके बारे में अपन आज इसके वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जलीय चरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है जलवायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित करेगा बेटा? नाम से पता चल रहा है दो चीजों का समावेश होता है बेटा, एक तो जल का प्लस वायु, दोनों चीजों के समावेश से इसका निर्माण होता है, जलवायु का निर्माण होता है। अंग्रेजी इसको अपन क्लाइमेट बोलते हैं, और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ना क्लाइमा शब्द से हुई थी, इससे हुई थी बेटा क्लाइमा शब्द। दो चीजों का समावेश होता है, जल और वायु। अब थोड़ी देर के लिए अपन क्या मान लेते हैं, जल किससे प्राप्त होता है? वर्षा के द्वारा मीठा होता है जल। अब जलीय चरण को कैसे प्रभावित करेगा, यानी वर्षा की तीव्रता और वर्षा की गहनता और वर्षा की अवधि, ये तीनों चीजें किसको प्रभावित करती है? जल चरण को प्रभावित करती है। मान लीजिए ये कोई तेज धमा, इस प्रकार का कोई तेज है। अब इसमें क्या होगा, तेज बारिश हो रही है, क्या हो रही है? तेज वर्षा हो रही है और लंबे समय तक के लिए हो रही है। तेज वर्षा लंबे समय और अति गहनता, यदि ये तीनों चीजें होंगी तो क्या होगा, जल ज्यादा बहेगा तो जल के द्वारा क्या होगा, जल चरण ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? जल चरण अधिक होगा, यानी जलवायु वाला पॉइंट किसको प्रभावित करेगा, जलीय चरण को प्रभावित करेगा। मान लीजिए कम बारिश होगी, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि जलीय चरण कम होगा, यानी जब बारिश पानी कम गिरेगा तो सीधी सी बात है जल चरण ने के बराबर होगा। इसलिए जलवायु वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है बेटा, जलीय चरण को प्रभावित करता है। अब लिखो इसमें उसकी अवधि, वर्षा की गहनता तथा उसकी अवधि मृदा क्षरण तथा उसकी अवधि मृदा क्षरण पर सीधा प्रभाव डालती है। मृदा क्षरण पर सीधा प्रभाव डालती है। वर्षा की मान लीजिए गहनता अधिक है
10 रुपए क्या पड़ेगा बेटा, सीधा प्रभाव डालेगी। यदि बढ़ता ही अंतर कम होगी, यदि बढ़ सकती क्या इनकम, यदि वर्षा की गहनता कम होगी तो चरण भी, तो चरण भी कम होगा, तो चरण भी कम होगा। मान लीजिए यदि बारिश कम होती है तो चरण भी क्या होगा बेटा, कम होगा। और वर्षा की गहनता अधिक है और वर्षा की गहनता अधिक है तो चरण भी अधिक होगा, ये पहला पॉइंट हो गया। इसका जलीय चरण को प्रभावित करने वाला पहला कारण, इसी बात है वर्षा की गहनता और अवधि किसको प्रभावित करेगी, मृदा चरण को प्रभावित करेगी। यदि वर्षा की गहनता और अवधि अधिक है, सीधी सी बात है चरण अधिक होगा। यदि वर्षा की गहनता और अवधि कम है तो चरण क्या होगा बताओ, कम होगा। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इस्तलाक की, इस्तलाक की। अब इस्तलाक की कैसे प्रभावित करेगी बताओ, जैसे मान लीजिए कोई ढलानदार खेत, अब ढलानदार खेत में क्या होगा कि जैसे पानी गिरेगा, जैसे मान लीजिए कोई खेत है इस तरह का, कोई खेत है इस तरह का, कोई खेत है। अब इस खेत में क्या होगा कि जैसे पानी यहाँ पे गिरेगा, वर्षा का पानी यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, तो वर्षा का पानी जैसे यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ की मृदा बह के कहाँ से निकलेगी, ये नीचे वाले स्थान पर चली जाएगी, यानी नीचे वाले खेत में क्या चली जाती है पानी, उसका क्या नाम से मिट्टी के निर्माण चली जाएगी, नीचे वाले स्थानों पर चली जाएगी, जिससे क्या होगा कि ऊपर का वो क्या होगा मृदा के साथ साथ वो क्या चले जाएंगे, पोषक तत्व तो भी चले जाते हैं। इसलिए इस तरह करके वाला पानी किसको प्रभावित करेगा बेटा, चलिए चरण को प्रभावित करेगा, यानी जितना खेत में डाल होगा उतना ही जल क्या होगा, उतना ही जलीय चरण अधिक होगा, मृदा का कटाव अधिक होगा। देखो बेटा इसके बारे में चरण अधिक होता है, डालू भूमि में क्या होता है बेटा चरण अधिक है, स्वाभाविक सी बात है जिस खेत में डालू अधिक होगा तो उसमें क्या भी होगा बेटा चरण भी अधिक होता है, क्योंकि पानी में निकली गति, क्योंकि पानी के बहने की गति, क्योंकि पानी के बहने की गति तेज हो जाती है, तेज होती है और अधिक डाल वाले मृदा में पानी की गति तेज होती है। अरे जिस खेत में मान लीजिए डाल अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें पानी के बहने की गति क्या होगी बेटा, तेज होगी, और अधिक डाल वाले मृदा में और अधिक डाल वाले मृदा में, अधिक डाल वाले मृदा में जल को सोखने के लिए समय बहुत कम मिलता है, समय बहुत कम मिलता है,
आगे पॉइंट पहला जलवायु किसी बात है वर्षा की गहनता आदि होगी तथा उसकी अवधि आदि होगी, दूसरी किसी बात है क्षरण आदि होगा, यदि वर्षा की गहनता और अवधि कम है तो क्षरण कम होगा, इसलिए जलवायु वाला पॉइंट किसको प्रभावित करेगा, जलीय क्षरण। दूसरा आता है स्थला गति, जिस खेत में ढाल अधिक होगा स्वाभाविक सी बात है उसमें क्षरण अधिक होगा और जिस खेत में ढाल नहीं होगा उसमें क्षरण कम होगा। आप पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट का दबाव कि मृदा को कैसे प्रभावित करेगा, चिपके हुए रहते हैं,
जिससे मृदाचरण पवित्र मृदा की तुलना में जिससे मृदाचरण बलुई मृदा की तुलना में बहुत कम होता है। मृदा गुण वाला पॉइंट आ गया सवाल, यानी कहने का मतलब जो हमारी बलुई मृदा होती है बालू मृदा बोलते हैं। राजस्थान में यदि क्वेश्चन आता है ना कभी कभार कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ध्यान रखना बेटा सबसे ज्यादा रेतीली या बलुई मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली या बलुई मृदा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, ध्यान रखना रेतीली या बलुई मृदा। कौन सी मृदा? रेतीली या बलुई मृदा। अब इसके कण क्या होते हैं बेटा बलुई मृदा के? कण क्या होते हैं? कणों का आकार बड़ा होता है। अब कणों का आकार बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है रंध्रावकाश भी क्या होंगे? बड़े होंगे। जैसे बारिश होगी तो बारिश होने पे क्या होता है? कण आपस में चिपके हुए तो होते नहीं, जैसे बारिश का पानी गिरेगा तो सीधे एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। लेकिन बलुई मृदा के कण क्या होते हैं? बारीक होते हैं। बारीक के साथ साथ चिकने होते हैं, आपस में क्या होते हैं? सटे हुए रहते हैं। यदि आपस में कोई चीज चिपकी हुई रहती है तो कितनी बारिश हो लो उसमें न के बराबर क्या होता है बेटा? क्षरण होता है। इसलिए मृदा गुण वाला पॉइंट किसको प्रभावित करेगा? जलीय क्षरण को प्रभावित करेगा। अगला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा वनस्पति का प्रभाव। चौथा जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाला चौथा पॉइंट है वनस्पति का प्रभाव। खेत में जितने अधिक
पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि वर्षा की बूंदों के प्रभाव को, क्योंकि वर्षा की बूंदों के प्रभाव को पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा सहन कर लिया जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सहन कर लिया जाता है, जिससे क्षरण पेड़ पौधे पत्ते द्वारा क्या कर लिया जाता है, सहन कर लिया जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है बेटा, क्षरण तब होता है। इसलिए वनस्पति किसको, वनस्पति का प्रभाव किसको प्रभावित करेगा, जलीय क्षरण, जिसमें वनस्पति नहीं है उसमें क्षरण अधिक होगा, जिसमें वनस्पति अधिक है उसमें क्षरण कम होगा। लास्ट वर्ड पढ़ेंगे बेटा पांचवा, मानवीय कार्य। मानवता की विरोध होता है इसको, चरण को बढ़ावा देने में और कम करने। अब जैसे मानवीय कारण कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा ये बुद्धि, इस खेत में मान लीजिए अपन जुताई करनी है, क्या करनी है बताओ, जुताई करनी है इस खेत में। अब इस खेत में अपन जुताई करेंगे तो मान लीजिए अपन ने डाल के लंबवत कर दी, डाल के लंबवत कर दी, इस तरीके से अपन ने जुताई कर दी, उसी का सब पानी बह के कहां जाएगा, नीचे वाले स्थान पर चला जाएगा, यानी मिट्टी करके कहाँ चली जाएगी, नीचे वाले, कहने का मतलब ज्यादा कटा होगा। यदि मान लीजिए अपन इसमें डाल के मिट्टी से क्या करते हैं, जुताई करते हैं, तो क्या हुआ, मृदा क्षरण कम होगा। इसलिए मानवीय कारक वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित करता है, जलीय क्षरण को प्रभावित करता है, मृदा क्षरण को प्रभावित करता है। मृदा द्वारा खेती का सही ढंग न अपनाने से मानव द्वारा खेती का सही ढंग न अपनाने से जल चरण कितने प्रकार से होता है ये पढ़ लिया, और जलीय
फसल की बुआई से लेके कटाई तक अपन जो भी काम करेंगे ना खेत में, वो सारे किसके अंदर आते हैं बेटा? सस्य संबंधी विधियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं? सस्य संबंधी विधियों के अंतर्गत आते हैं। पहली विधि बेटा सस्य संबंधी विधि, पहली विधि ऐसी बेटा समोच्च खेती करना। समोच्च ये इसको हिंदी में बोलते हैं समोच्च और अंग्रेजी में बोलते हैं समोच्च खेती। अंग्रेजी बोले तो बेटा इसको कंट्रोल फार्मिंग। ये अब समोच्च खेती होती क्या है बेटा? हर कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है समोच्च खेती के बारे में, कुछ सुनाता है इसके बारे में। समोच्च खेती होती क्या है पहले ये
जैसे मान लीजिए ये हमारा खेत है, इस तरीके से कोई खेत है, ढलान वाला खेत है, इस ढलान वाले खेत अपन वैसे तो खेती कर नहीं सकते, और ये ध्यान रखना समोच्च खेती कहाँ अपनाई जाती है। इस बात के ऊपर क्वेश्चन आता है कि समोच्च खेती को कौन से क्षेत्रों में अपनाया जाता है, तो ध्यान रखना समोच्च खेती को हमेशा ढालू वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है। कौन से क्षेत्रों में अपनाया जाता है बेटा, ढालू वाले क्षेत्रों में। समोच्च खेती को कौन से क्षेत्रों में अपनाया जाता है, ध्यान रखना ढालू वाले क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में, ढालू वाले। अब इसमें होता क्या है, समोच्च खेती होती क्या है, मान लीजिए इस प्रकार का कोई हमारा ढलान वाला खेत है, अब इसमें क्या किया जाता है बेटा, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। क्या की जाती है, सीढ़ी नुमा, यानी उस सीढ़ी जो अपन बनाएंगे, जो रेखा अपन बनाएंगे, जैसे इस तरीके का अपन, जैसे यहाँ इस वाले एरिया को काट दिया, फिर यहाँ, फिर इस वाले एरिया को काट दिया, फिर यहाँ यहाँ, फिर इस वाले एरिया को काट दिया, फिर यहाँ, फिर इस वाले एरिया को काट दिया, फिर यहाँ, फिर इस वाले एरिया को काट दिया। इस प्रकार से क्या बनाई जाती है, सीढ़ी रूप सीढ़ियां बना ली जाती है, और इन सीढ़ियों को बनी रेखाओं को क्या कहते हैं बेटा, कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। जो रेखा वाले तैयार होती है, जिस प्रकार का अपन खेत बनाते हैं, जिस प्रकार की रेखा खींचते हैं, उसी क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंटूर कहते हैं। और इन पे फसलों को उगाना क्या कहलाएगा, कंटूर मार्किंग कहलाएगा। क्लियर, यानी ढलान वाले क्षेत्रों में जो अपन रेखा बनाएंगे, जो सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे, तो उसे तो क्या कहेंगे, कंटूर कहेंगे। और इसमें जो खेती करेंगे उसको बोलते हैं कंटूर फार्मिंग। यानी कंटूर तो अपन ने बना लिया, और उसमें जो अपन खेती करेंगे तो नाम हो जाता है बेटा कंटूर फार्मिंग, यानी समोच्च खेती। अब समोच्च खेती से जलीय चरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही पढ़ना है, जलीय चरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो अपन ने इस प्रकार के कंटूर बना लिए, यानी सीढ़ी नुमा कंटूर बना लिए, और एक एक सीधा ऐसा है सपाट, इस तरीके का खेत है, इस तरीके का सपाट खेत, मतलब ढलान वाला खेत, यहाँ पे पानी रुकेगा नहीं, रुकेगा सीधे कहाँ चले जाएगा, नीचे वाले क्षेत्रों में चले जाएगा, जल सरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अपन इसमें कंटूर बनाएंगे, यानी सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे, उसी की बारिश आऊंगी, जहाँ बारिश होती है तो पानी यहाँ पे आएगा, पानी यहाँ पे आएगा समतल रूप से आएगा, क्या उगी रहती है हमारी फसल उगी रहती है। अब इस फसल के द्वारा और इस मृदा के द्वारा इस पानी को उधर कर दिया जाता है, बारिश के पानी को सूख लिया जाता है। कहने का मतलब एक साथ नहीं बहता, सूखने के लिए क्या मिल जाता है, समय मिल जाता है, जिसके कारण जल क्षरण क्या होगा, कम होगा, यानी जल क्षरण भी कम होगा और मृदा संरक्षण भी दोनों ही काम हो जाएंगे। क्लियर, अब निकलो बेटा इसके बारे में। समान ऊंचाई में बनी हुई रेखा होगी, समान ऊंचाई पर बनी हुई रेखा होगी, क्या कहते हैं बेटा, वो कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। इस प्रकार की खेती कंटूर कहते हैं। इस प्रकार की खेती मैंने उससे बताया था, इस प्रकार की खेती कौन से क्षेत्रों में अपनाई जाती है, ढलान वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इस प्रकार की खेती में फसलों की बुआई, इस प्रकार की खेती में फसलों की बुआई ढाल के विपरीत करते हैं, ढाल के विपरीत करते हैं, दाल की बिक्री करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो अपन इसकी खेती करेंगे, जो फसलों की बुआई करेंगे, किसके विपरीत करेंगे बेटा, दाल के विपरीत करते हैं। और दालों जमीन पर कंट्रोल
पर कंटूर बनाने से वर्षा का जल रुक रुक कर, वर्षा का जो जल होता है वो रुक रुक कर आगे बढ़ता है, तब तक मृदा एवं फसल के द्वारा, मृदा एवं फसल के द्वारा जल को सोख लिया जाता है, जल को सोख लिया जाता है। जल का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है या उसको सोख लिया जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे मृदा एवं जल का संरक्षण हो जाता है, जिससे मृदा एवं जल का संरक्षण हो जाता है। पहला पॉइंट हो गया समोच्च खेती या कंट्रोल फार्मिंग, यानी कंट्रोल फार्मिंग कहाँ बनाई जाती है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ढालू और पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है। इसमें समान ऊंचाई पे क्या बनाई जाती है? रेखा बनाई जाती है, यानी कहने का मतलब सीढ़ी नुमा खेतों का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। अब ढालू जमीन में कंटूर बनाने से तो वर्षा का जल क्या होता है? रुक रुक के जाएगा। वर्षा का जल रुक रुक के जाएगा तो क्या नाम से, तब मृदा और फसल के द्वारा जल को क्या कर लिया जाता है? सोख लिया जाता है। जल को सोख लिया जाएगा तो कहने का मतलब मृदा और जल का क्या हो जाता है बेटा? संरक्षण हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे पलवार या मांझी। पलवार या मांझी होता है इसके बारे में समोच्च खेती डेफिनेशन आप एक बार ध्यान रखना। छोटे छोटे जो एग्जाम क्वेश्चन आए हैं 14 नंबर के, 18 नंबर के 14 क्वेश्चन आते हैं, उनमें ध्यान रखना। समोच्च खेती की डेफिनेशन पूछ सकता है, कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं, समोच्च खेती किसे कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरा पढ़ेंगे पलवार या मांझी, सहसंबंधी विधियों का दूसरा पलवार, यानी अंग्रेजी में बोलते से मांझी। कई बार डेफिनेशन हमारा डेफिनेशन पूछ लेता है मांझी किसे कहते हैं, पलवार किसे कहते हैं। पहले सीधी सी भाषा में बताऊं, यानी हमारी जो मृदा होती है उसकी मृदा की सतह को घास फूस या फिर किसी पत्ती के द्वारा या फसल अवशेष के द्वारा उसे ढक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, नमी का संरक्षण होता है, नमी और मृदा दोनों का संरक्षण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, पलवार या मल्चिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? पलवार या मल्चिंग। अब पढ़ रहे हैं अपने यहाँ पे जलीय क्षरण को रोकने की विधियों में, और सस संबंधी का दूसरा पॉइंट है पलवार या मल्चिंग। जैसे मान लीजिए हमारा कोई फील्ड है, इस तरीके का कोई फील्ड है, अब इस फील्ड में मान लीजिए दो फील्ड है, दो केज है, एक में तो क्या होता है, क्या नाम से अपन ने पेड़ पौधों की पत्तियां, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों की पत्तियां या घास फूस बिछा रखा है, और दूसरा खेत क्या है हमारा खाली है, जैसी वर्षा होगी वर्षा के पौधों को प्रारंभ कौन सहन करेगा, पेड़ पौधों की पत्तियां सहन कर लेती है और घास के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, सहन कर लिया जाता है। जब उसके प्रारंभ को सहन कर लेगी तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे कहां चले जाएगा, मृदा के अंदर चले जाएगा। कहने का मतलब जल का भी संरक्षण और मृदा का भी संरक्षण। दूसरा खेत खाली पड़ा है तो सीधी बात है वर्षा की बूंदें कहां पड़ेंगी, मृदा के कणों पे पड़ेंगे, मृदा के कण क्या चले जाएंगे, एक स्थान से वे के कहां चले जाएंगे, दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। इसलिए पलवार या मल्चिंग भी इसको रोकने में, जल को व मृदा संरक्षण को रोकने में क्या होती है बेटा, वो सहायक होती है। लिख लो इसके बारे में। लिखो मृदा की सतह को फसल अवशेष, मृदा की सतह को
फसल अवशेष, पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियों वे घास उसके द्वारा मृदा की सतह पे घास फूस पेड़ पौधे की पत्तियों या पॉलिथीन की सीट के द्वारा उसको ढककर उसमें नमी बनाए रखना ही उसे क्या कहते हैं पलवार या मल्चिंग कहते हैं। ध्यान रखना एक नंबर की डेफिनेशन। दो पॉइंट दूसरे प्रेस के पलवार या मल्चिंग। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन भू परिसरण। परिसरण का मतलब होता है भूका मतलब तो होता है बेटा मृदा और परिसरण का मतलब होता है इसके कार्य करना या फिर इससे मतलब अपन बता सकते हैं जुताई से ताल्लुका इससे जुताई से मान लीजिए अपन डाल के विपरीत जुताई करेंगे तो क्या आराम से मृदा और जल दोनों का संरक्षण हो जाएगा। यदि अपन डाल के लंबवत जुताई करेंगे तो मृदा और जल दोनों का संरक्षण नहीं होगा। इसलिए भू परिसरण की सही विधियों को अपनाने से क्या होगा मृदा की संरचना ठीक रहती है। मृदा की संरचना ठीक रहेगी तो मृदा और जल दोनों का संरक्षण हो जाता है। तो भू परिसरण की सही विधियां अपनाने से भू परिसरण की सही विधियां एवं औजारों के अपनाने सही विधियां एवं औजारों के अपनाने से भू परिसरण की सही विधियां एवं औजारों के अपनाने से मृदा संरचना ठीक रहती है।
जिससे मृदा एवं जल का संरक्षण हो जाता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट कंप्लीट, यानी से संबंधित विधियों का तीसरा पॉइंट कौन सा है, भू परिष्करण। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा फसल चक्र। फसल चक्र जलीय क्षरण को रोकने में कैसे सहायक होता है। मान लीजिए अपने क्या नाम से एक खेत में तो अपने मूंगफली लगा रखी है। अब मूंगफली क्या करती है बेटा, पूरे खेत को कवर करती है, पूरी तरीके से क्या करती है उसको ढके हुए रखती है, पूरी तरीके से कवर करके रखेगी तो वर्षा के पौधे प्रारोपण सहन करेगा, वो पौधे को मूंगफली के पत्तियों के द्वारा सहन कर लिया जाएगा, सीधी सी बात है क्षरण का होगा। इसलिए कहने का मतलब फसल चक्र भी मृदा वह जल संरक्षण में क्या होता है, सहायक होता है। लिखो बेटा फसल चक्र भी मृदा एवं जल संरक्षण में सहायक होता है। ये हमारे जलीय क्षरण के संबंधित विधियों के चार पॉइंट हो गए और इसके दो तीन पॉइंट और बच रहे हैं। एक पट्टियों में फसल बोना और घास संबंधी उपाय, यानी सस संबंधी उपाय तो हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक पॉइंट बचा है कि पट्टियों में फसल को बोना, फिर दो उपाय और बचेंगे, घास संबंधी उपाय और वृक्षारोपण। उसके बारे में अपन कल की वीडियो में चर्चा करेंगे, आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और इस ध्यान रखना एक चीज का, इनके साथ के साथ आपको नोट्स बनाने, ये नहीं क्या बने क्या नाम से छोड़ दिया, साथ के साथ बेटा नोट्स बनाने, ठीक है। धन्यवाद।